बीच एनकाउंटर के बाद बदमाशों को पकड़ने के लिए कानपुर मंडल की सारी सीमाएं अब सील कर दी गई हैं। 500 से ज्यादा लोगों के मोबाइल सर्विलांस पर रखे गए हैं और एसटीएफ ने अब मोर्चा संभाल लिया है। बता दें कि कानपुर देहात के शिवली थाना इलाके में पुलिस ने बीकरू गांव में रात को दबिश दी थी और पुलिस यहां पर हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने के लिए गई थी, लेकिन बदमाशों ने पुलिस को घेर कर फायरिंग शुरू कर दी और इसमें 8 पुलिस वाले शहीद हो गए जबकि 12 पुलिस वाले घायल हुए हैं। बता दें कि विकास दुबे वही अपराधी है जिसने 2001 में राजनाथ सिंह सरकार में मंत्री का दर्जा पाए संतोष शुक्ला की शिवली में घुसकर हत्या की थी और इसी को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम कल जब पहुंची तो घात लगाए पहले से बैठे बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं और कई पुलिसकर्मी घायल हैं। इस बीच कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और इस पूरे मामले की छानबीन जारी है और मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा गया है कि जो घायल पुलिस वाले हैं उनको अच्छा इलाज दिया जाएगा।